एटमी के सभी सदस्यों को विनम्र अभिवादन। माइग्रेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां पे करना है, इसी के बारे में विस्तृत में जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। कब करना है? 22 जून 2020 को सवेरे 11 बजे यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कहां पे करना है? आपको www.atomy.com/IN पे जाके यह प्रक्रिया पूरी करनी है। कौन यह प्रक्रिया कर सकता है? इंडियन सिटीजन रेसिडेंट जो ऑलरेडी कोरियन वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है वो सारे ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। क्यों करनी है? माइग्रेशन होने के बाद एटमी के वेबसाइट से आप प्रोडक्ट खरीदी कर सकते हो और आप कमीशन पा सकते हो, इसलिए यह प्रक्रिया करनी बहुत जरूरी है। क्या करना है? इस प्रक्रिया में आपको एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्पाउस डिटेल्स को आप चेक कर सकते हो, या तो फिर चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। और जो मेंबर 14 नवंबर के पहले ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए पैन वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है? इसके लिए आपको आपका मेंबरशिप आईडी और पासवर्ड के साथ www.atomy.com/IN पे लॉगिन करना है और एडिट माय इंफॉर्मेशन में जाके आप इसे कर सकते हैं। विस्तृत में मैं इसके बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूतकाल को आप मिटा नहीं सकते, भूतकाल को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी लाइफ ऐसे मौके देता है कि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही मौका एटमी इंडिया आपको देने जा रहा है। इसके अंदर गलती से आपके दो आईडी या फिर स्पाउस का अलग से आईडी बना हुआ है तो आप इसमें से कौन सा रखना है ये चूज कर सकते हैं। अभी आइए और जानिए विस्तृत में माइग्रेशन प्रोसेस को कैसे करना है। सबसे पहले आपको www.atomy.com/IN पे जाके आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड को एंटर करना है और उसके बाद एडिट माय अकाउंट में जाके आपको क्लिक करना है। यदि आप आपका मेंबरशिप आईडी या पासवर्ड भूल चुके हो तो ये सिंपल स्टेप्स करके आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। उसके बाद एक नई पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी, उसके अंदर आपको दो वीडियो देखने हैं। एक एटमी का इंट्रोडक्शन है, दूसरा वीडियो एटमी का कॉम्पेंसेशन प्लान है। ये दोनों वीडियो पूरे देखने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो एटमी डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट को पढ़े और उसको आई एग्री बटन क्लिक करें। उसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करके आपको एटमी कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल को पढ़ना है और आई एग्री बटन को दबाना है। इसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि बहुत सारी पॉलिसीज है, इसको एक एक करके पढ़िए और ये सारा पढ़ने के बाद आप आई एग्री बटन को क्लिक कीजिए। लास्टली एटमी इंडिया का कॉम्पेंसेशन प्लान को और एक बार पढ़िए और इसमें आपकी सहमति दे दीजिए बाय क्लिकिंग आई एग्री। उसके बाद आप कंसेंट दे सकते हैं और एक कंसेंट बॉक्स है, उसके लिए भी आप कंसेंट दे सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपको कंफर्म बटन दबाना है। कंफर्म बटन दबाते ही आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, जिसके अंदर आप आपका नाम, यदि पैन नंबर रजिस्टर्ड है तो पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि पासवर्ड चेंज करना है, गेस्ट पासवर्ड चेंज करना है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आता है। एड्रेस के लिए मैं, यदि आप पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस से रजिस्टर करना चाहते हैं तो अभी आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
उसके बाद आपका करेक्ट पिन कोड नंबर डालिए। वो पिन कोड डालते ही आपकी सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी हमारे डाटाबेस से। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी भी चेक कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। यदि आप 14 नवंबर 2019 से पहले एटमी के साथ जुड़े हैं तो आपको पैन वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसके लिए आपको आपका पैन आईडी एंटर करना है और वेरिफिकेशन बटन को क्लिक करना है। ऐसे करते ही आपका नाम पॉपअप हो जाएगा और वही नाम हमारे डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 14 नवंबर के पहले ज्वाइन हुए हैं उन्हें ये एडिशनल स्टेप भी करना जरूरी है। फर्स्ट पोर्शन में जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड पोर्शन में जाना है, जो कि एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए है। इसके अंदर ड्रॉप डाउन बॉक्स में 4 चीजें हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपका आधार कार्ड नंबर इनपुट कीजिए और जनरेट ओटीपी बटन दबाइए। जैसे ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है, उस ओटीपी को इनपुट करने के बाद आपका एड्रेस ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा और रियल टाइम बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आप पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका नंबर इनपुट करना है और फ्रंट और बैक पेज को स्कैन करके अपलोड करना है। ये प्रोसेस होने के बाद नीचे एड्रेस प्रूफ रिलेटेड 4 कंसेंट आपको क्लिक करने हैं। उसके बाद थर्ड पोर्शन में स्पाउस डिटेल दिया हुआ है। यदि आपने आज तक स्पाउस के डिटेल यदि एंटर नहीं किए हैं तो आप अभी आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको उनका नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उनका पैन डिटेल देना है। ये सब डिटेल भरने के बाद जब आप कंफर्म बटन दबाओगे तो आपका माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये हमारे पास आ जाता है मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए, जो कि 1 से 2 महीने लग सकते हैं। यदि आप 14 नवंबर 2019 से पहले एटमी के साथ जुड़े हैं तो आपको पैन वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसके लिए आपका पैन आईडी एंटर करना है और वेरिफिकेशन बटन को क्लिक करना है। ऐसे करते ही आपका नाम पॉपअप हो जाएगा और वही नाम हमारे डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 14 नवंबर के पहले ज्वाइन हुए हैं उन्हें ये एडिशनल स्टेप भी करना जरूरी है। आपके पास 6 महीने का अवधि है जिसके अंदर आप सक्सेसफुली माइग्रेट हो सकते हो और एटमी इंडिया के वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। लेकिन यदि आपने इस 6 महीने के अवधि में माइग्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो आने वाले 1 साल के लिए आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है और ना ही आप एटमी इंडिया के वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस कर पाओगे। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माइग्रेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।